आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भगवान कृष्ण ने 16,100 विवाह क्यों किए थे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होगा कि अगर कृष्ण भगवान है तो फिर उन्होंने 16,100 विवाह क्यों किए। भगवान कृष्ण के 16,100 विवाह के पीछे कुछ कारण थे। एक कारण यह था कि त्रेता युग में श्री राम जी से बहुत सी युवतियां विवाह करना चाहती थी, पर तब श्री राम जी ने एक ही स्त्री से विवाह करने का संकल्प लिया था, परंतु श्री राम जी ने उन्हें वचन दिया था कि द्वापर युग में वह उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। एक कारण यह भी था कि एक बार नरकासुर नाम के एक राक्षस ने 16,100 कन्याओं को पकड़ कर रखा था। वह उनकी बलि देना चाहता था। नरकासुर इन कन्याओं के साथ बहुत अत्याचार करता था। जब भगवान कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने नरकासुर को मार गिराया और 16,100 कन्याओं को अपने अपने घर जाने के लिए कहा। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर गए थे और नरकासुर का वध किया था। 16,100 कन्याएं आजाद तो हो गई थी, पर अब वह कहीं जाने लायक नहीं बची थी। नरकासुर ने कुछ कन्याओं के परिवार वालों को पहले ही मार दिया था, और जिनके परिवार वाले जिंदा थे वह उन्हें चरित्र के नाम पर अपनाने से इनकार कर रहे थे। अब गोपियां भगवान से कहती हैं कि उनके पास केवल दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वह आत्महत्या कर ले या किसी गलत रास्ते पर चलकर अपना जीवन निर्वाह करे। दोनों ही बातें गलत थी। अगर गोपियां गलत रास्ते पर चलकर जीवन निर्वाह करती तो वैसे ही उनसे कोई विवाह नहीं करता, और साथ ही साथ इससे अधर्म भी बढ़ जाता, और भगवान श्री कृष्ण का अवतार ही धर्म के लिए हुआ था। इसलिए भगवान कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को अपना लिया और उनसे विवाह किया। इस दौरान भगवान ने अपने 16,100 रूप बनाए थे। भगवान कृष्ण का यही स्वभाव है, वह एक कार्य इस प्रकार करते हैं कि उससे अन्य अनेक प्रयोजन भी सिद्ध हो जाते हैं। भगवान राम ने कन्याओं को वचन दिया था कि वह उनसे अगले जन्म में विवाह करेंगे। भगवान कृष्ण ने अपना वचन तो निभाया ही, और साथ ही साथ नरकासुर का वध भी कर दिया। तो यह थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।